अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमारा दूसरा दिन, दूसरा व्लॉग है 110 चिक्स केयर चैलेंज का। तो सभी चिक्स को इस वक्त भूख लगी हुई है, देखें कैसे शोर मचाया हुआ है इन्होंने। तो इनके लिए मैं पानी लेकर आया हूँ, विटामिन और पैनाडोल इसमें उन्होंने शामिल की हुई है। रात के टाइम टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया था, इसी वजह से आप देखेंगे ये चिक कैसे इसके खड़े होने का अंदाज़ से पता लग रहा है कि ये इसको थोड़ा सा मसला बना हुआ है। ऐसे ही आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको देखें, ये मैं सुबह जब आया तो मैंने देखा ये तो मरा पड़ा हुआ है, जिसको देखें ये तो ये बीमार नहीं था, कोई भी चूजा बीमार नहीं था, सिर्फ टेम्परेचर नीचे गया है रात को और सभी एक जगह पर मिलकर बैठ गए हैं और ये नीचे आकर मर गया था। अब आप टेम्परेचर देखें 31.6 है। तो अभी मैंने क्या करना है कि अब रात के वक्त ना, यहाँ पर मैंने पहले सिर्फ यहाँ पर क्लीन लगाता था, अब मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा, पहले छापर लगाऊंगा उसके ऊपर ये क्लीन लगाऊंगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और हमारे किसी भी चिक को मसला ना बने। तो इस वक्त इनको फुल भूख लगी हुई है और जल्दी से इन्हें खुराक देते हैं। और जो पानी में विटामिन और दवाई वाला मैं लेकर आया हूँ, पैनाडोल वाला, वो भी इनको देते हैं ताकि ये पी कर जल्दी से एकदम एक्टिव हो जाएँ। खुराक का छापर यहाँ पर मैंने ऊपर लटका दिया था, यहाँ पर सेफ रहता है। सभी चिक्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो जल्दी से इन्हें खुराक देते हैं। इनको चेक कर रहे हैं, छापर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो हमारे चिक्स हैं ये बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखें, इस बर्तन के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा रश डाला हुआ है। ये बर्तन के ऊपर ज़्यादा रश नहीं है और इसके ऊपर उससे भी कम रश है। तो कुछ चिक्स ने पानी को पीना स्टार्ट कर दिया है, पानी मैंने डाल दिया है। जो विटामिन वाला पानी और जो दवाई पैनाडोल वाला पानी है ना, इसको पीकर हमारे चूहे फिर से एकदम एक्टिव हो जाएंगे और जो इनको मसला था वो ख़त्म हो जाएगा। और रात को टेम्परेचर जो था ना, टेम्परेचर हम इसको मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर नीचे नहीं जाने देंगे। तो इस वक्त जो टेम्परेचर है, वहाँ पर सामने आप देखें मशीन रखी हुई है, 31.7 टेम्परेचर मीटर। पहले दिन टेम्परेचर मीटर नहीं था हमारे पास, तो मैंने तब क्या किया, मैं यहाँ पर मैंने छापा लगाया चारों तरफ इस जगह पर ऐसे, तो यहाँ पर रखे थे। पहले दिन हमारा कोई तकरीबन 10 चूचा मर गया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये दीवार को आप देखें मैंने लिपाई की हुई है, नीचे भी लिपाई की हुई है, इस वजह से टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन नहीं हुआ। एक तो टेम्परेचर मीटर भी नहीं था हमारे पास, तो पता नहीं चल सका। और जो हीट के लिए बल्ब होता है वो, उसको तो मैंने चलाया हुआ था, जब चारों तरफ से छापर भी लगा लिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मसला बन गया है। हमारे जो पहले दिन में 10 चूचे मर चुके थे ना, वो काम बहुत ख़राब हो गया है। तो उसके बाद एक दो चूचा मरे और आप यह देखें, एक चूचा ये मर चुका है, मुझे इसका अफसोस हो रहा है क्योंकि ये बिल्कुल एक्टिव चूचा था, कोई भी एक चूचा बीमार नहीं था। रात को मैं सो गया, मैं इधर अपना चेक करने इनको नहीं आया, तो रात को टेम्परेचर डाउन गया और हमारा नुकसान हो गया चिक का। और एक दो चिक आप देखें इनमें डीले भी हैं, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि इनको सिर्फ सर्दी लगी हुई है और जो मैंने पानी दिया है, पानी पिए और खुराक खाने से ये ठीक हो जाएंगे। इसको देखें, बाकी सारे चिक इस वक्त तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई खुराक खा रहा है, लेकिन ये जो चिक है ना, ये इसने खुराक भी नहीं खाई और ना ही पानी पिया, लेकिन ये चलने फिरने में थोड़ा सा एक्टिव है, तो खुराक खाएगा तो सेट हो जाएगा। इनको आप चेक करें, मैं 4 तारीख को लेकर आया था चिक्स, इनको आप देखें इन्होंने पानी पीना स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ पर सारा बर्तन इन्होंने कवर कर दिया है, यहाँ पर कोई पानी पीने नहीं आ रहा, तो इसको भी मैं इधर रख देता हूँ ताकि आराम के साथ ये पानी पिए। तो दोस्तों, मेरे मोबाइल में एक मसला आया हुआ है, मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, तो मैं जब वीडियो बनाकर आज से देखता हूँ तो वीडियो स्टॉप होती है और वीडियो बनती
सिर्फ कोई 45 सेकंड की बन जाती है, कोई 26 सेकंड की बन जाती है। तो मैं ऐसे अपना पूरी वीडियो बना रहा होता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ तो वीडियो स्टॉप होती है और फिर मैं कहता हूँ ये क्या हो गया, मैंने वीडियो बनाई और ये क्या मोबाइल के अंदर मसला आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोबाइल भी चेंज कर लूँ, कोई अच्छा मोबाइल ले लूँ वीडियो बनाने के लिए। इसके वीडियो तो अच्छी बन जाती है, रिजल्ट तकरीबन ठीक है, लेकिन ना इसका मसला ये है कि इसकी वीडियो स्टॉप होने शुरू हो गई है, कल से मसला बना है, पहले इसको मसला नहीं था। अब उसको देखें आप, इसकी नींद नहीं पूरी हुई है जो खड़ा हुआ है सामने, इसको और कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसकी नींद नहीं पूरी हुई। इसके पर बिल्कुल ठीक है, ऊपर लगे हुए हैं, ये देखें सोने सो रहा है। अभी मैं इसको छेड़ूंगा तो ये भागेगा थोड़ी, देखें देखें इसको चेक करें, इसने अपना जो पेट है फुल भर लिया इसको, ये देखें आप, ये देखें कैसे उभरा हुआ है, फुल पेट भरा हुआ है इसने। अब कुछ चिक्स जो इस वक्त जिन्होंने पेट भर लिया है ना सामने, एक ये कुछ सामने इधर है, ये सामने आप देखें, ये वो कॉर्नर में, ये तो आराम कर रहे हैं, इन्होंने पेट भर लिया है। जब भी अंदर देखें देखें उसको देखें कैसे मार के बजा दिया, इसको देखें, अब मैंने पकड़ लिया है ना, अब तुम ठीक हो, अब बताओ ठीक हो, तो देखें कैसे है? सारे चिक्स डर के एक कॉर्नर में लग चुके हैं, उन्होंने बर्तन खराब वाले छोड़ दिए हैं। जब भी ये आते हैं ना बड़े ही बदमाशी करते हैं, तो मुझे टेंशन है कि कुछ छोटा चूजा मेरे पैर के नीचे भी ना आ जाए। अब इसको बाहर वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, इसी रास्ते से ही अंदर आया है। तो मुझे इस वक्त इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये देखें देखें, अब शायद देखें इसको, इसी रास्ते से इधर आया है और अब इसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब वो चला गया है, तो इसको मैं यहाँ से सही कर देता हूँ। लेकिन आप देखें वहाँ पर इस वक्त भी कॉर्नर में जो हमारे चिक्स हैं वो डर के लग गए चले गए हैं। अभी मैं इनको यहाँ से निकालता हूँ, निकलो 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 निकलो, शाबाश निकलो निकलो निकलो। थर्टी 1.9 हो चुका है, तो मैं अब क्या करूँगा कि मैंने जाना है ना, तो मैंने इसको जो क्लीन है इसको ऊपर लगा देना है, इससे वहाँ बाहर से सेक और धूप नहीं आएगी और टेम्परेचर कम बढ़ेगा। तो मैंने एक दिन इसका टेस्ट किया था, जब यहाँ से सेक और धूप आती है ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो बेहतर तो यही है। चलो मैंने करना भी ऐसे ही है ताकि टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन रहे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।